हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ राम शरण शर्मा की बुक से, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, उसका चैप्टर नंबर 11। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 देख चुके थे, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये चैप्टर नंबर 11, और इसमें हम देखेंगे आर्य संस्कृति की पहचान। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे आर्य संस्कृति की पहचान, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, और हो सकता है कि मैं इसी वीडियो में आपको इससे अगला चैप्टर यानी कि 12वां चैप्टर भी करवा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। प्राचीन ग्रंथों में, ठीक है फ्रेंड, प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, जैदवस्ता और होमर रचित इलाइड तथा उड़ीसी आते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो प्राचीन ग्रंथ है, तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, फिर जैदवस्ता है, फिर होमर रचित इलाइड और उड़ीसी। ठीक फ्रेंड्स, इनमें आर्यों के बारे में बताया गया, तो यही हमको पढ़ना है इस बार। और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया कि ऋग्वेद कौन सा सबसे पुराना ग्रंथ है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में ये पूछा ये जैदवस्ता कहाँ से आया था और कौन से देश का ये है, तो ये ईरान का है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये ईरानी जैदवस्ता ग्रंथ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व, अब इनकी तिथियां बताई गई हैं, जो ये तीन वेद है ना, इनकी तिथियां वगैरह बताई गई हैं। ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, 1500 ईसा पूर्व, जैदवस्ता की तिथि 1400 ईसा पूर्व, और होमर की रचनाओं को 900 से 800 ईसा पूर्व रखा जाता है। ठीक फ्रेंड, इनकी तिथि देख ली, ऋग्वेद को 1500 और ये जैदवस्ता को 1400 और इसकी होमर की रचना को 800-900 बीच ईस्वी के बीच रखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखिए आर्यजन शीतोष्ण जलवायु में रहते थे। आर्यजन शीतोष्ण जलवायु में रहते थे, मतलब ठंडीले इलाकों में रहते थे। वे घोड़े पालते थे, और जिनका प्रयोग वे कचड़ा जलाने और सवारी करने के लिए करते थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ठंडी जलवायु वगैरह में रहते होंगे, और ये घोड़े पालते थे, जिनका प्रयोग कचड़ा का मतलब यहाँ पे समझो फ्रेंड, कचड़ा का मतलब होता है वो ढीली ढाली सी बग्गी नहीं होती, जैसे तांगा गाड़ी या बग्गी या घोड़ा गाड़ी कह देते हैं, उसका नेट पे इसका मतलब ये दिखाया है। अभी मैंने नेट पे इसको सर्च किया था, कचड़ा का मतलब ढीला ढाला ढीली ढाली गाड़ी सी होती थी, जो तांगे वगैरह या बग्गी या घोड़ा गाड़ी कह देते हैं, उसके लिए प्रयोग करते होंगे, और सवारी करने के लिए। ठीक फ्रेंड, घुड़सवारी देखी होगी आपने, सुनी भी होगी। ठीक फ्रेंड, क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। हिंद यूरोपीय अग्नि पूजा करते थे। ठीक फ्रेंड, हिंद यूरोपीय अग्नि पूजा करते थे, और वे सोमरस का पान करते थे। कई बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। ठीक फ्रेंड, इनमें पशु बलि प्रचलित थी, ये पशु बलि वगैरह भी देते होंगे, पर आर्य संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी यूरोपीय भाषा थी। ठीक फ्रेंड्स, जो हिंदी यूरोपीय थे, अग्नि की पूजा करते थे, सोमरस वगैरह पीते होंगे, पशु बलि देते होंगे, लेकिन आर्यों की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता हिंद यूरोपीय भाषा थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऊपर हमारे लिए कुछ है नहीं, ठीक फ्रेंड्स, देख देते हैं, ऊपर हमारे लिए कुछ था नहीं, तो अब चलते हैं, क्योंकि आर्यों का सबसे प्रिय चीज़ थी तो वो घोड़ा था, तो घोड़े का देखेंगे। और एक जब से चैनल बनाया है ना, तब से एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है, बोल लेंगे ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, ये छोड़नी पड़ेगी, बहुत बुरी बीमारी लग गई है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल वगैरह भी आए, जो फ़ोन वगैरह पे बात करता हूँ तो वहाँ भी बोलता हूँ ठीक है भाई, इनको यार क्या बोल रहा है तू। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। असभ पालन और प्रसारण की प्रक्रिया। आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का स्थान बहुत ऊंचा है। ठीक फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनको घोड़े से बहुत प्यार था। आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का स्थान बहुत ऊंचा है। असभ माने घोड़ा भी होता है, कई बार पर्यायवाची में पूछ लिया जाता है, असभ तुरंग कई बार पूछा है, असभ का पर्यायवाची होता है घोड़े का पर्यायवाची असभ, तुरंग, बज्जी, ऐसा कुछ है, एक दो और हैं, तो आप देख लेना, हिंदी भी कराऊंगा मैं आपको, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको कवर करा लूँ, ये बहुत बड़े बड़े हैं। आगे देखते हैं असभ और इसके समजातीय शब्द संस्कृत अवेस्ता की भाषा, यूनानी, लैटिन और अन्य हिंद यूरोपीय भाषा में मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बता दिया है, असभ का इसका समजातीय शब्द होगा घोड़ा,
तुरंग वज्जी वगैरह, तो उसी के बाद बताया जा रहा है कि इससे मिले जुले शब्द हैं ना वो इन इन भाषाओं में मिलते हैं। वेद और अवेस्ता की भाषा में बहुत से व्यक्तियों का नाम असब केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो वेद और अवेस्ता ग्रंथ है इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का नाम असब केंद्रित है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद, यहाँ से देखेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में असब की चर्चा कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। अब जो ये आने वाले टॉपिक है ना, ये बहुत मेन मेन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखना। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, ऋग्वेद में असब की चर्चा 215 बार। ठीक है फ्रेंड्स, गौ, अब यहाँ से देंगे 215 बार है। गौ माने गाय की चर्चा 176 बार, और वृषभ माने बैल होता है जैसे सांड कहते हैं, वृषभ की चर्चा 170 बार की गई है। ठीक है फ्रेंड, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय का बहुत बार पूछा है, गाय और घोड़े का, तो आप याद रखना। गोपालकों पर असबदारियों का वर्चस्व होता था, मतलब गोपालक जो गाय वगैरह पालते होंगे, चराते होंगे, और जो असबदारी मतलब जो घोड़े वगैरह ले के रखे होंगे, तो जो गोपालक है ना, इन्हें असबदारियों से नीचे आते होंगे और ये असबदारियों पर इनका वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, गोपालों पर असबदारियों का वर्चस्व था, यानी कि ये इनके नीचे होंगे। ऋग्वेद पर मध्य एशियाई प्रभाव होने के कारण, ऋग्वेद पर मध्य एशियाई प्रभाव होने के कारण उसी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कई जानवरों की चर्चा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं किन किन जानवरों की ऋग्वेद में चर्चा नहीं की गई है। इसमें बाघ और गेंडे के नाम नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में बाघ और गेंडे का नाम कहीं नहीं सुना होगा आपने। आगे देखते हैं, सिंह, हाथी और भैंसे की चर्चा बहुत कम की गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ऋग्वेद में पूरे दो सूक्तों पर घोड़े की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद में आपने घोड़े का बहुत नाम सुना होगा, जैसे ऊपर मैंने बता भी दिया है, घोड़े की चर्चा 215 बार हुई है, तो ऋग्वेद के दो सूत्र ही इनके ऊपर लिख दिए गए, और जिसमें घोड़े को काफ़ी TRP मिली है, यानी कि प्रशंसा मिली है। आगे चलते हैं, घोड़ा पहले पहल, अब देखें घोड़ा पहले पहले आया कहाँ से था। घोड़ा पहले पहले दक्षिणी यूराल क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिणी यूराल जो पर्वत वगैरह पड़ता है ना, यूरोप की बात हो रही है, तो वहाँ 6000 ईसा पूर्व के आसपास मिला होगा। आगे चलते हैं, काला सागर के निकट होने के कारण 4थी शताब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया में पाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, ये काला सागर वगैरह, ये यूक्रेन और रूस वाला क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ पर पड़ता है ये काला सागर। ठीक फ्रेंड्स, देखेंगे काला सागर के निकट होने के कारण घोड़ा 4थी शताब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया में पाया जाता है। 3री शताब्दी आते आते घोड़े काफ़ी संख्या में साइबेरिया में मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी ईरान में 3री शताब्दी ईसा पूर्व आरंभ में एलम 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 की लिपि में घोड़े का हाव भाव चित्र मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जो ईरान की एलम लिपि है ना, उसमें भी घोड़े के चित्र वगैरह मिले हैं, तो यही बताया गया है। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे, दोबारा समझा देता हूँ। 6000 ईसा पूर्व घोड़े का यूराल क्षेत्र में के आसपास में मिलता है, फिर उसके बाद काला सागर के निकट होने के कारण 4थी शताब्दी में अनातोलिया में पाया जाता था घोड़ा। 3री शताब्दी आते आते रूस में भी, रूस के ये साइबेरिया क्षेत्र है, यहाँ घोड़े मिलने लगे। और दक्षिण पूर्वी ईरान में 3री शताब्दी के आरंभ में जो एलम लिपि है ना, उसमें भी घोड़े के चित्र वगैरह दिखाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर हमारे लिए कुछ है नहीं यहाँ। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे, अब घोड़ा आपने देख लिया, अब देखते हैं रथ युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, युद्ध रथ, तो सिर्फ आप बस कहानी की तरह सुनते जाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन के, और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार और वीडियो देख ले, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है और मैं समझा भी रहा हूँ बहुत अच्छे से डीपली जाके। रथ युद्ध देखते हैं, जो युद्धों में रथ का उपयोग होता था वो कहाँ मिले हैं। हिंद यूरोपीय रथ चलाने में घोड़ों का खूब प्रयोग करते थे, डेफिनेटली जब घोड़े होंगे तो वो रथ में भी जुड़े होंगे और रथ बढ़ाया होगा। हिंद यूरोपीय रथ चलाने में घोड़ों का खूब प्रयोग करते थे, इस बात की जानकारी वैदिक ग्रंथ अवेस्ता, ये ईरान का ग्रंथ है फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वैदिक ग्रंथ अवेस्ता और होमर की रचनाएँ मिलती हैं। ठीक फ्रेंड्स, होमर की रचनाओं में घोड़े की जानकारी मिलती है, इनका रथों का प्रयोग। ठीक फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ, आज मैंने सुबह मॉर्निंग में एक मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट डाला था, तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 190 में, वो उसमें क्वेश्चन नंबर 190 था, तो उसमें ये पूछा गया था कि तीसरी बौद्ध संस्कृति कहाँ हुई थी, बौद्ध
संस्कृति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में, बट वहाँ गलती से वो लिखा गया है कि कौशल में, कौशल में। ठीक फ्रेंड्स, कौसाम्बी है, पता नहीं यहाँ कौसाम्बी लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 190, जो बुद्ध की तीसरी वो हुई थी ना, क्या कहते हैं, बौद्ध स्मृति, तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी, याद कर लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, वो जल्दी जल्दी में कौसाम्बी वहाँ टाइप हो गया होगा, तो करेक्ट कर लेना, वहाँ पाटलिपुत्र आंसर है। तीसरी बौद्ध संस्कृति पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे चलते हैं, वो मैं बताना भूल गया था शुरू में। अब देखते हैं कि रथ वगैरह कहाँ मिलते थे। दक्षिण रूस की खुदाई में, दक्षिण रूस की खुदाई वगैरह हुई थी। दक्षिण रूस की खुदाई में 3000 ईसा पूर्व में रथों में होने का प्रमाण मिलता था। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता कि रथ पहली बार कब मिला था और कहाँ मिला था, तो 3000 ईसा पूर्व रूस की खुदाई हुई थी, तो वहाँ मिला था, रूस में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 या 3 पहिए वाले रथ मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले खुदाई हुई थी रूस की, वहाँ रथों का प्रमाण मिलता है। तीसरी शताब्दी में 2 या 3 पहिए वाले रथ मिले होंगे। मितानी शासकों ने 1400 ईसा पूर्व के आसपास रथों का प्रयोग करते थे। ठीक फ्रेंड्स, मितानी शासक 1400 ईस्वी के आसपास रथों का प्रयोग करते होंगे। अब आगे चलते हैं। अब रथ देख लिए, तो रथों में पहिए लगते होंगे, तो अब पहियों को देखेंगे, पहिए कहाँ से आए थे, आरे वाले पहिए। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं, उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित हिसार नामक स्थान पर, फ्रेंड्स ये एक हरियाणा में भी जगह है, हिसार एक स्टेट है हरियाणा का, तो ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये ईरान में स्थित एक हिसार नामक जगह है उसकी बात हो रही है। उत्तर पूर्व ईरान में स्थित हिसार नामक जगह में और उत्तरी काकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व लगभग आने वाले पहिए मिले हैं। ठीक फ्रेंड, ये पहिए की जो तिथि है ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये काकेशस क्षेत्र वगैरह, ये ईरान वगैरह में पड़ता था उस टाइम, तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, जो पहिया मिला था वो 2300 ईसा पूर्व में आरे वाले पहिए मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखते हैं, पहिए का हिसार में 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व आते आते यूरोप और पश्चिमी एशिया के कई स्थानों पर आरे वाले पहिए मिलने लगते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा करेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए, जो पहिए का रथ है ना, ये पहिए का रथ हिसार में मिला है। ठीक फ्रेंड्स, 2300 ईसा पूर्व में, ये मैंने बता दिया कि 1800 से 1500, ये अगली लाइन है। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ तक है, पहिए का रथ हिसार में मिला था, ये 2300 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखने की नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू होगी, 1800 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व आते आते यूरोप और पश्चिमी एशिया के कई स्थानों पर आने वाले पहिए मिलने लगते हैं। ठीक फ्रेंड, दूसरी लाइन यहाँ है, पहली लाइन यहाँ तक थी इसकी, और दूसरी लाइन यहाँ से 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व आते आते पश्चिमी एशिया के कई स्थानों पर आने वाले पहिए मिलने लगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरे पे। अब आके देखते हैं, 1500 ईसा पूर्व आते आते घोड़े और रथ की आकृतियाँ किर्गिजिया, ठीक फ्रेंड्स, किर्गिजिया, अल्ताई क्षेत्र, मंगोलिया, पामीर पहाड़ और सबसे बढ़कर कजाकिस्तान में मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, ये घोड़े की और रथ की आकृतियाँ बताई जा रही हैं, कहाँ कहाँ मिली हैं, ये अब किर्गिजिया या फिर किर्गिज लिखा होता है कहीं, किर्गिस्तान, किर्गिजियाई क्षेत्र है ना, उसकी बात हो रही, किर्गिजिया, अल्ताई क्षेत्र, मंगोलिया, पामीर पहाड़ और सबसे बढ़कर कजाकिस्तान में मिलती है। क्या मिलती है? रथ और घोड़े की आकृतियाँ 1500 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अभी तक तो हम देख रहे थे वर्ल्ड वाइड की तरह, अब देखेंगे भारत महाद्वीप में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़े के अवशेष देखेंगे, ये 1700 ईसा पूर्व में मिले हैं। देखते हैं, भारतीय महाद्वीप में घोड़े के अवशेष 1700 ईसा पूर्व, यहाँ से देखिए, ये लिखा है मैंने, 1700 ईसा पूर्व बलूचिस्तान के कोची मैदान में अवस्थित पिराक में सच्चे घोड़े के मिलने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक फ्रेंड्स, जो सबसे पहला घोड़ा एशिया महाद्वीप में या अपने इंडिया महाद्वीप में देखा जाए, तो बलूचिस्तान का कोची मैदान में स्थित एक जगह होगी पिराक, तो वहाँ मिला था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं,
घोड़े के अवशेष और उसकी साज बाज स्वात घाटी में अवस्थित गंधार संस्कृति 1400 ईसा पूर्व के बाद मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जो घोड़े हैं यहाँ से बताए गए, जो घोड़े के अवशेष वगैरह है ना, जो उसके साज सजावट वगैरह की साज बाज स्वात घाटी में अवस्थित गंधार संस्कृति 1400 ईसा पूर्व और उसके बाद मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो घोड़े की सजावट वगैरह की बात हो रही है तो ये 1400 ईसा पूर्व के बाद गंधार संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो अब मैं बताऊंगा आगे जो लाइन लिखी हुई है कि भारत में घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो सुरकोटदा से मिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में बना है। तो यही लिखा है, सुरकोटदा में पाया गया घोड़ा पिराकी घोड़े का समकालीन था। ठीक है फ्रेंड, पिराकी घोड़ा कौन था, जो बलूचिस्तान के मैदान में मिला था ना, प्राग नामक जगह से, उसका समकालीन था। ठीक फ्रेंड, उसके जैसा ही था। समकालीन का मतलब होता है एक जैसा ही, मतलब उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का लेकिन बिल्कुल उसके समान ही। जैसे फोटोकॉपी होती है ना, एक ओरिजिनल होती है और एक उसकी फोटोकॉपी होती, बिल्कुल हूबहू है, लेकिन उससे थोड़ी फोटोकॉपी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। तो उसी की बात बताया गया, सुरकोटदा में पाया गया घोड़ा पिराकी घोड़े का थोड़ा समकालीन था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन कई बार बनाया कि भारत में घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये सुरकोटदा से मिला है, याद रखेंगे। समकालीन से एक और क्वेश्चन याद आया कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता था, तो वो खान अब्दुल खान गफ्फार खान को कहा जाता था, क्योंकि वो गांधी जी के समकालीन थे, मतलब गांधी जी की तरह थे, पूर्व हूबहू उन्हीं की तरह कार्य वगैरह करते थे। तो गांधी जी तो महान थे, तो एक टाइम पे दो गांधी थोड़ी हो सकते थे, इसलिए उसने सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में बना है सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता था, तो याद रखेंगे गांधी जी के समकालीन ही थे। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, यहाँ तक हो गया था ना, समकालीन था। आगे देखते हैं 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों पर मिट्टी के घोड़े मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 500 ईसा पूर्व उत्तर भारत के कई अन्य स्थानों से मिट्टी के घोड़े मिलते हैं। अब आगे देखेंगे दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब तो जानते ही हो गए, मरने के बाद जो व्यक्ति हो या कुछ भी हो उसका दाग लगाया जाता है ना, तो उसको दाह संस्कार कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं हमारे लिए नीचे, ये देखिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं दाह संस्कार कहाँ से आया था, किन्होंने चलाया था ये अंतिम संस्कार करने की विधि। दाह संस्कार की प्रथा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ हुई, 5000 से 4000 ईसा पूर्व। इसके उदाहरण पोलैंड, जर्मनी, यूरोप, पूर्वी यूरोप, इराक और उत्तरी मध्य एशिया के कजाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे कहाँ से आया था ये, पोलैंड, जर्मनी, यूरोप, इराक और उत्तरी मध्य एशिया के कजाकिस्तान में मिलते हैं दाह संस्कार के उदाहरण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1500 ईसा पूर्व आते आते यह प्रथा यूरोप और एशिया दोनों में चल गई, और यह पूर्वी मध्य एशिया से चीनी भाग में पहुंच गई, यानी चाइना तक पहुंच गई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारतीय, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा भारतीय उपमहाद्वीप में 1400 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप में 1400 ईसा पूर्व घोड़े पालने वालों ने पहल स्वात घाटी में इस प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे भारत में कहाँ शुरुआत हुई थी, अब देखिए दिखाई दे रहा होगा 1400 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में 1400 ईसा पूर्व घोड़े पालने वालों ने पहल स्वात घाटी में इस प्रथा की शुरुआत की थी। किस प्रथा की, दाग प्रथा की या दाह संस्कार की। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं अग्निपूजा। अब अग्निपूजा को देखते हैं। अग्निपूजा हिंद आर्यों और हिंद ईरानियों की विशेषता मानी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अग्निपूजा हिंद आर्यों और हिंद ईरानियों की विशेषता मानी जाती है। ऋग्वेद में वेदी की चर्चाएं और जैद अवस्था में अग्निपूजा को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में वेदी की चर्चाएँ और जैद अवस्था में अग्निपूजा को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ लोग अग्निपूजा को हड़प्पाई मानते हैं, किंतु जो अग्नि वेदियाँ गुजरात के लोथल नामक स्थान और राजस्थान के कालीबंगा में पाई गई हैं, उनके उत्खनक भी उन्हें सच्ची वेदियाँ नहीं मानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताया गया कि जो कुछ लोग अग्नि पूजा को हड़प्पा कालीन से जोड़ते हैं, बट
जो अग्नि वेदियाँ मिली है ना, अग्नि वेदियाँ का मतलब यहाँ समझ लो जो वो क्या कहते हैं, वो इतना कटोरा टाइप नहीं होता, जो हवन वगैरह होता है वो रखा जाता है जिसमें वो आग वगैरह जलाई जाती है, उसकी बात बता रही है। जिसमें वो आग वगैरह जलती है ना, वो हवन में जो रखते हैं वो लोहे का बना होता है। ठीक है, उनकी बात हो रही है कि जो वेदियाँ हैं गुजरात के लोथल नामक स्थान और गुजरात के कालीबंगा में मिली है ना, लेकिन जिन्होंने उनकी खुदाई करवाई थी ना, उत्खनक, जो भी उत्खनक वगैरह हो रहे होंगे उस टाइम के, जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ खुदाई करने का, वे भी उन्हें सच्ची वेदियाँ नहीं मानते हैं, उनको भी वो झूठी लगती हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि उनके उत्खनक भी उनको सच्ची वेदियाँ नहीं मानते हैं। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखते हैं, दक्षिण यूक्रेन में 3000 से 35 ईसा पूर्व कुछ ऐसे अग्नि स्थल मिले हैं जिसमें अग्नि पूजा होने का अनुमान तो होता है, पर उन्हें वैदिक अग्नि वेदी की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक फ्रेंड, मतलब दक्षिण जो यूक्रेन वगैरह है तो उसमें 4000 से 35 ईसा पूर्व कुछ ऐसे अग्नि वेदियाँ मिली हैं जो इनको वैदिक अग्नि वेदी की संज्ञा दी जा सकती है, मतलब वो अच्छी लग रही हैं और उसको संज्ञा दी जा सकती है कि हाँ ये रियल है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं पशु बलि। अग्नि प्रथा को देख लिया, अब देखते हैं पशु बलि। प्राचीनतम पशुपालक दूध, यहाँ से देखते हैं पहली लाइन यहाँ है ना, पशु बलि आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। ठीक फ्रेंड्स, पशु बलि आर्य संस्कृति का महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। ठीक फ्रेंड्स, पहली लाइन यहाँ से, पशु बलि आर्य संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीनतम पशुपालक दूध और उनसे बनी चीज़ों के लिए गाय को नहीं पालते थे। ठीक फ्रेंड, वो सिंपल वे में पालते होंगे, उन्हें दूध घी से कोई लेना देना नहीं था, यही बताया गया। प्राचीनतम पशुपालक दूध और उनसे बनी चीज़ों को पाने के लिए गाय नहीं पालते थे। मांसाहारी भोजन प्राप्त करने के लिए पशु बलि की अनुष्ठान का विकास किया गया था। ठीक है फ्रेंड, वो सिर्फ मांस वगैरह खाते होंगे, मांस के लिए पशुपालन करते होंगे। ठीक फ्रेंड, यहाँ पशु बलि के अनुष्ठान के लिए विकास किया गया हुआ था। अब आगे देखते हैं, यूक्रेन और दक्षिणी रूस की कब्रों में चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व श्रद्धा क्रम में पशु बलि के अनेक उदाहरण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो यूक्रेन और ये दक्षिण जो रूस में कब्रें वगैरह होंगी तो उसमें पशुओं को मारकर उनकी बलि दी जाती होगी। श्रद्धा क्रम मतलब धार्मिक कोई काम वगैरह करते होंगे तो उसमें पशु बलि के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, धार्मिक प्रथा वगैरह होती होगी। तो एक मूवी है शायद बॉलीवुड की, शायद वो मूवी है क्षत्रिय, उसमें सनी देओल वगैरह है, संजय दत्त, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, ऐसे कुछ 4-5 हीरो हैं। तो उसमें वो जो लास्ट में देते हैं ना पशु की बलि, वो जो छोटा सा बच्चा होता है भैंस का, उसको बांध के भैंस वगैरह होती है, उसमें दिखाया गया है। ठीक फ्रेंड, देखना। तो उसमें शायद देवी माँ को खुश करने के लिए पशु बलि की प्रथा आरंभ दिखाई गई है उस वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो में मतलब मूवी में, तो वही बात बताई गई कि यहाँ धार्मिक कार्यों के लिए पशु बलियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ मूवी मावी के चक्कर में। आगे चलते हैं, वैदिक समाज में असम्मेध का विशेष स्थान था। ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वैदिक में जो आर्य वगैरह थे उनको घोड़े से बहुत प्यार था, वही बताया गया। वैदिक समाज में असम्मेध का विशेष स्थान था, किंतु वेदों में फ्रांसीसी विद्वान लुई नून का मानना है। ठीक है, जो फ्रांसीसी विद्वान था लुई नू, अब देखते हैं ये क्या कहता है। लुई नू का मानना है कि असम्मेध हिंदी यूरोपीय अनुष्ठान था, यह प्राचीन रोम और मध्यकालीन आयरलैंड में प्रचलित थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये प्रथा बताई गई कि ये रोम और आयरलैंड में प्रचलित थी। यूक्रेन, अब आगे देखते हैं, यूक्रेन और दक्षिणी रूस में अनेक कब्रों में एक से अधिक घोड़े की बलि का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड, जो ऊपर बता दिया है, यहाँ पशुओं की बलि वगैरह दी जाती होगी यूक्रेन और रूस में। ठीक फ्रेंड, यहाँ लिखा है अनेक कब्रों में एक से अधिक घोड़े की बलि का उदाहरण है। इस प्रथा का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पर्वतीय भाग में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रथा का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर्वतीय भाग में हुआ था। अब नीचे देखते हैं, अठारहवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में घोड़े का मिलने का पक्का प्रमाण नहीं मिलता, तो इसकी बलि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत महाद्वीप में घोड़ा कब मिला था, कौन सी ईस्वी में, तो बता दोगे ना 1700 ईस्वी में, ऊपर पढ़ाया है अभी। ठीक फ्रेंड, लेकिन बात हो रही है 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी तक
तक भारत में घोड़े के मिलने का प्रमाण नहीं मिलता तो इसकी बलि के प्रश्न कहाँ से उठेगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पूर्वी मध्यकालीन भारत में शक्तियों के विभिन्न रूपों में पूजा में भैंसे का बलिदान बड़ा अनुष्ठान बन गया था। ठीक फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने मूवी का उदाहरण लेकर बताया कि उसमें भैंस वगैरह का जो बलि देते थे ना, वही बात ध्यान बताई कि पूर्वी मध्यकालीन भारत में शक्ति के विभिन्न रूपों में पूजा में भैंसों का बलिदान अनुष्ठान बन गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सोमपान की प्रथा देखते हैं। सोमपान की प्रथा केवल ईरान और वैदिक जनों में ही प्रचलित थी। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्या ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ कि इंग्लैंड में सोमरस पता किसको कहते हैं, बियर को। वहाँ एक दिन में लोग 8-8 बोतल बियर घटक जाते हैं, तो इंग्लैंड का सोमरस कहा जाता है बियर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोमपान की प्रथा केवल ईरान और वैदिक जनों में ही प्रचलित थी। ठीक फ्रेंड्स, अवेस्ता में सोम के बदले होम शब्द का प्रयोग होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये ईरानी वेद है ना अवेस्ता, इसमें सोमपान की जगह सोम के बदले होम शब्द का प्रयोग होता था। अब इड्रेफा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोम से करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब जो इड्रेफा कोई पौधा होगा तो उसकी पहचान लोग सोम से करते हैं कि इसी पौधे से सोम रस निकलेगा। आगे देखिए, जो स्वास्तिक का चिन्ह है हमारा, ये वाला चिन्ह देखा होगा आपने ऐसे बना हुआ घरों में या कई मंदिरों वगैरह की दीवारों पर। ठीक फ्रेंड, इस चिन्ह की बात कर लेते हैं, ये कहाँ से आया था। देखिए, स्वास्तिक आरितब का चिन्ह माना जाता है। ठीक फ्रेंड, स्वास्तिक आरितब का चिन्ह माना जाता है जब इसे जर्मनियों के नासियों ने इसे विशुद्ध आरितब का प्रतीक घोषित किया तो इसका विश्वव्यापी महत्व हो गया। ठीक फ्रेंड, जो जर्मनी में ये नास्तिकवादी थे, इन्होंने इस शब्द को आरितब का प्रतीक दिया होगा तब ये मतलब इसकी वैल्यू और बढ़ गई होगी। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है। ठीक फ्रेंड, वैदिक साहित्य में स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है। अब देखिए आगे, स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है। यह शब्द ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में अनेक ग्रंथों में मिलता है, जबकि धार्मिक कला में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ये मंदिर की दीवारों पर या जहाँ भी कथावन होता है तो इस चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, वो बनाते हैं घरों में दीवारों पर चौखटों पर, तो ये शुभ माना जाता है, वही बताया गया। आगे चलते हैं। यह प्रतीक पहले पहल बलूचिस्तान स्थित शाही टुंब की धूसर भांडवली संस्कृति में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, यह सबसे पहले मिला था ना, ये एशिया की बात हो रही है, तो ये बलूचिस्तान की जो धूसर में भांड वाली संस्कृति में मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, बलूचिस्तान में। आगे देखते हैं, स्वास्तिक वाले ठप्पे या कोई मोहर टाइप होगी, वो जो ठप्पा लगाते हैं ना मोहर का, स्वास्तिक वाले ठप्पे हड़प्पाई संस्कृति में और अल्तीन टेपे में पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति में भी इनका प्रयोग होता था, ठप्पे मारने में मोहर वगैरह होगी, और इनका समय 2300 से 2000 ईसा पूर्व है। शाही टुंप में स्वास्तिक प्रतीक का प्रयोग श्राद्ध वाले बर्तनों पर होता था। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे, जो शाही टुंप वगैरह है ना, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जो श्राद्ध वगैरह के जो बर्तन वगैरह होंगे उन पर इनका प्रयोग दिखाया जाता होगा। और 1200 ईसा पूर्व में लगभग दक्षिण कजाकिस्तान में जो कब्रें मिली हैं उनमें कब्रों की जगह पर इस प्रकार के चिन्ह मिले हैं। ठीक फ्रेंड, और कजाकिस्तान में जो कब्रों वगैरह पर चिन्ह वगैरह मिले होंगे, कब्रें वगैरह मिली होंगी, उन पर इन चिन्हों को अंकित किया गया होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। 800 ईसा पूर्व के आसपास अलंकरण के रूप में प्रतीक धूसर चित्र भांडों पर मिलता है। ठीक फ्रेंड, इन्हीं की बात हो रही है स्वास्तिक चिन्ह की, तो 800 ईसा पूर्व के आसपास अलंकरण के रूप में प्रतीक धूसर चित्रित भांडों पर भी मिलता है। आगे देखिए, नीचे हमारे लिए कुछ है नहीं, आगे चल। अब देखेंगे फ्रेंड्स भाषा और अभिलेख। हिंदी यूरोपीय भाषा आर्य संस्कृति की प्रमुखतम विशेषता मानी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, हिंदी यूरोपीय भाषा आर्य संस्कृति की प्रमुखतम भाषा मानी जाती है। इसका आरंभ
इसका आरंभ 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। हिंद यूरोपीय भाषा पूर्वी एवं पश्चिमी शाखाओं में बांटी जाती है, ठीक फ्रेंड्स। और लगभग 4500 ईसा पूर्व से पूर्वी शाखा की भाषा को, यहाँ लिखा हुआ पूर्वी शाखा की भाषा को हिंदी ईरानी भाषा कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अनातोलिया के हत्ती अभिलेख बतलाते हैं। अनातोलिया के हत्ती अभिलेख बताते हैं कि वहाँ हिंद यूरोपीय भाषा में पश्चिमी शाखा के बोलने वाले 19वीं सदी से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद थे, ठीक फ्रेंड्स। जो अनातोलिया के अभिलेख वगैरह होंगे वो बतला रहे हैं कि हिंद यूरोपीय भाषा की पश्चिमी शाखा में बोलने वाले जो हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे ना, वो 19वीं सदी से 17वीं सदी के बीच वहाँ मौजूद थे। कहाँ पर? अनातोलिया में। अब देखिए नीचे, ठीक फ्रेंड्स। पूर्वी अनातोलिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। पूर्वी अनातोलिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। अब आगे देखते हैं, ये नोट यहाँ से शुरू है, नोट लिखेंगे अगर किसी को बढ़िया लगे तो, ठीक फ्रेंड। बाकी मैंने नोट में लिखा हुआ है, ये जो कॉलम बनाता हूँ ना मैं ऐसी ब्रैकेट, तो ये नोट का सिंबल है। देखते हैं नोट में क्या है। प्रारंभिक नेफोफियन, ठीक फ्रेंड। प्रारंभिक नेतुफियन ये किसका नाम था? प्राचीन फिलिस्तीन का। प्रारंभिक नेतुफियन अर्थात फिलिस्तीन के इलाके में 10,000 ईसा पूर्व के आसपास अनाज पैदा किए जाने लगे, ठीक फ्रेंड्स। ये नाम याद रखना है, फिलिस्तीन का पुराना नाम है नेतुफियन, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ 10,000 ईसा पूर्व के आसपास अनाज पैदा किया जाने लगा। आगे चलते देखें, यहाँ लिखा ना किए जाने लगे, और 7,000 ईसा पूर्व लगभग फिलिस्तीन में जमकर खेती होने लगी, ठीक फ्रेंड। 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व खेती इराक, ईरान और पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी होती थी, ठीक फ्रेंड। ये नोट, ये ब्रैकेट यहाँ बंद होगी, यहाँ तक नोट था। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य कम मिले हैं, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता था? बलूचिस्तान पाकिस्तान के इलाके में पड़ता था ना, तो वहाँ से क्वेश्चन कई बार हजारों बार एग्जाम में ये बना कि मेहरगढ़ में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कब मिले थे, तो वो 7,000 ईसा पूर्व मिले थे, और यही एग्जैक्ट डेट है। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जाके पढ़ लेना, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ भी मैंने बता दिया 7,000 ईसा पूर्व में मिले थे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हिंद यूरोपीय भाषा के सबसे पुराने बोलने वालों के जीवन में खेती का कोई बड़ा ध्यान नहीं था। जो ये आर्य वगैरह थे ना, इनका खेती से कोई लेना देना नहीं था। यही लिखा है, हिंद आरोपी भाषा बोलने वाले प्राचीन भाषा में सबसे पुराने बोलने वाले के जीवन में खेती का कोई मतलब महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाते थे ना वहाँ की खेती अपना लेते थे। वही लिखा हुआ है, कोई बड़ा स्थान नहीं था। संकेत मिलता है कि जहाँ जहाँ वे हिंद यूरोपीय गए वहाँ की खेती की पद्धति उन्होंने अपना ली, ठीक फ्रेंड्स। दोबारा बता देता हूँ, हिंद यूरोपीय भाषा के सबसे पुराने बोलने वाले के जीवन में खेती का कोई बड़ा स्थान नहीं था। संकेत मिलता कि वे जहाँ जहाँ हिंद यूरोपीय गए वहाँ की खेती उन्होंने अपना ली, ठीक फ्रेंड्स। तो ये मतलब कोई खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते थे, ये उधर से इधर जाते रहते थे। तो जहाँ जाते थे, जहाँ इनको बढ़िया खेती लगी वहाँ खेती कर ली, अगर बढ़िया नहीं लगी, थोड़ा हार्ड वर्किंग लगी होगी, तो खेती को मारो लात, कहते हम खेती नहीं करते। मतलब जहाँ अच्छी वगैरह लगती होगी वहाँ खेती कर लेते होंगे, नहीं तो ये ऐसे ही घूम फिर के अपना जीवन बिताते थे, ठीक फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो, नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए, देख लीजिए। ये थी हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 12 की, ठीक फ्रेंड्स। तो इसी वीडियो में शायद एक और चैप्टर आपको करा दूं क्या, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 में ऋग्वैदिक युग, इसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया, तो चलिए देख ही लेते हैं। इसमें देखते हैं हिंद आर्यों का आगमन, ठीक फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 12 है, हिंद आर्यों का आगमन, देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है ये क्या बताता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी जा रही है। तो देखिए, हिंद ईरानी जिन्हें हिंद आर्य और ईरानी शामिल थे। हिंद ईरानियों में कौन कौन थे? हिंद आर्य और ईरानी शामिल थे, मध्य एशिया के दो इलाकों से, ठीक फ्रेंड्स। मध्य एशिया के दो इलाकों से चले थे ठीक फ्रेंड्स। अब देखते हैं इन इलाके कौन कौन थे। पहले इस इलाके को लिखा हुआ है फ्रेंड्स पेंसिल से मैंने, पहले इस इलाके को
आंध्रो नोवो संस्कृति का क्षेत्र कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, पहले इस इलाके को आंध्रो नोवो संस्कृति का क्षेत्र कहते थे। अब यहाँ से देखेंगे, यह मध्य एशिया के समूचे भाग पर फैली हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, कौन सी ये आंध्रो नोवो संस्कृति ना, यह मध्य एशिया के समूचे यानी कि पूरे भाग पर फैली हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर का पैरा क्लियर हो गया होगा। अब इसकी तिथि देखते हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ये चैप्टर भी छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसकी तिथि 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच आंकी जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया मार्जियाना पुरातत्व समूह में पालतू घोड़े आरे वाले पहिए के साथ रथ सबों और अंशिका दहन और स्वास्तिक चिन्ह देखे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, 1500 ईसा पूर्व बैक्टीरिया मार्जिना पुरातत्व के समूह में पालतू घोड़े आरेदार पहिए रथ सब आंशिक दहन जो वो दाह संस्कार की पद्धति और स्वास्तिक चिन्ह देखे जाते हैं। ठीक फ्रेंड, ये सब हम पिछली वीडियो में अभी भी पढ़ा है। आगे देखते हैं हम, ठीक फ्रेंड, ये हम लिखा हुआ है, हम बैक्टीरिया मार्जियाना का उल्लेख भारतीय परंपराओं में भी पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, अब ये बैक्टीरिया मार्जियाना था क्या, इसे बहिलक, ठीक फ्रेंड्स, इसे बहिलक कहते हैं। ठीक फ्रेंड, इस बैक्टीरिया मार्जियाना का मतलब है, इसे बैलियक कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहरी देश। ठीक फ्रेंड, जिसका अर्थ होता था बाहरी देश। यह उत्तर वैदिक ग्रंथों या उत्तर वैदिक मूल ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, किसका अर्थ, किसका जिक्र हो रहा है, बैक्टीरिया मार्जियाना का, और बैक्टीरिया मार्जियाना को बहिलक कहते हैं। बहिलक का अर्थ होता है बाहरी देश। ठीक फ्रेंड्स, यह उत्तर वैदिक मूल ग्रंथों में भी मिलता है। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन अभिलेखों में सात नदियों को पार कर बहिलक विजय का उल्लेख है। ठीक फ्रेंड, बहिलक विजय का उल्लेख कहाँ भी है, गुप्तकालीन अभिलेख। ठीक फ्रेंड, उसमें भी बहिलक विजय का उल्लेख है। वास्तविक में विजय भले ही ना हुई हो, लेकिन गुप्तकालीन में बैक्टीरिया के अस्तित्व की जानकारी है। भले ही मतलब लड़ाई वगैरह हुई हो, उसमें जीत ना मिली हो, लेकिन उस लड़ाई की और ये बैक्टीरिया मार्जियाना का उल्लेख गुप्तकालीन के जो अभिलेख हैं उनमें मिलता है। ठीक फ्रेंड, ये बात बताई गई, वास्तविक विजय भले ही ना हुई हो, लेकिन गुप्तकालीन में बैक्टीरिया के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। ठीक फ्रेंड, बाद में इन स्रोतों में पंजाब को बहिलक माना जाने लगा। ठीक फ्रेंड, बाद में इन स्रोतों में पंजाब को भी बहिलक माना जाने लगा, वो बताया गया है यहाँ। आगे देखते हैं, आर्य भाषाभाषी अफगानिस्तान में बसने के लिए आए। ठीक फ्रेंड, इनका संकेत नदियों के आर्य नामों से मिलता है। ठीक फ्रेंड, जो ये नदी वगैरह थी ना, इनके नामों में भी आर्यों का ही नाम जुड़ा हुआ है, तो वही बताएगा, इनका संकेत नदियों के आर्य नामों से मिलता है। पश्चिमतम आर्य भाषाभाषी पूर्वी अफगानिस्तान, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमांत, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैले हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, आर्यों की बात हो रही है, ये कहाँ कहाँ थे, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमांत, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैले हुए थे। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है ना, सिंधु नदी आर्यों की विशिष्ट नदी थी। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पेंसिल से मार्क किया हुआ है, सिंधु नदी आर्यों की विशिष्ट नदी थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो पॉज क्यों कर देते हैं, मैं वीडियो इसलिए रोक देता हूँ ताकि, कई बार आपको बताया कि मेरा घर रेलवे ट्रैक के पास है, तो रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन आती है ना तो पूरा आवाज़ कर देती है, वो नॉइस हो जाती है, तो इसी वजह से मैं वीडियो रोक देता हूँ ताकि गाड़ी चली जाए और अपना भी काम हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था 1-2 महीने पहले, तो मेरे पास इतना अच्छा क्वालिटी का माइक नहीं था, तो उसमें बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह काफ़ी, आपने शुरू की वीडियो में देखा होगा। बट जैसा कि मैंने कहा था, धीरे धीरे फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, फिर माइक अरेंज किया, ऑर्डर किया, तो वो 5-6 दिन में आया, तो आपको ज़्यादा नॉइस वगैरह नहीं मिलती होगी वीडियो में, बस ये माइक का ही कमाल है। लेकिन वही बात है, जब ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आती है ना, तो जब आप कितना ही हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट ला लो, हाई क्वालिटी का माइक लगा लो, तो नॉइस वगैरह बहुत तेज़ होती है, तो वो आ ही जाती है, इसलिए मैं वीडियो रोक देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ऋग्वेद में आर्य शब्द, ठीक फ्रेंड्स, अब देखना यहाँ से, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार उल्लेख हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आर्यों का उल्लेख 36 बार हुआ है ऋग्वेद में, और इससे सामान्यतः हिंद आर्य भाषा बोलने वाले सांस्कृतिक समाज का संकेत मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, आर्यों का ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये देखो ये ब्रैकेट लगी है ना, तो समझ लेना ये नोट लिखा हुआ है, ये नोट मैंने लिखा हुआ है, ऋग्वेद में इंद्र, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, अभी बताता हूँ, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की संस्तुति संग्रहित है। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इनका उल्लेख हुआ है। ठीक फ्रेंड्स,
संस्कृत संस्तुतियाँ संग्रहित हैं। इसमें दस मंडल या भाग हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें दस मंडल या भाग हैं जिसमें मंडल दो से सात प्राचीनतम है। मतलब मंडल दो से लेकर सात तक ये प्राचीनतम है। प्रथम मंडल और दसम मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया, तो दसवां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये नोट यहाँ तक है, ये ब्रैकेट लगी है। आगे देखिए फ्रेंड, भारत में आर्यजन कई खेपों में आए। ठीक फ्रेंड, भारत में आर्यजन कई खेपों में आए आए सबसे पहले जो खेप में आए वे हैं ऋग्वेदिक आर्य, और इस महाद्वीप में लगभग 1500 ईसा पूर्व आसपास दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यही बताया गया कि भारत में जो आर्य आए थे ना, कई खेपों में आए। खेपों का मतलब होता है कई ग्रुप वगैरह में आए। ठीक फ्रेंड, भारत में आर्य कई ग्रुप में आए, सबसे पहले जो ग्रुप में आए होंगे, ग्रुप को यहाँ खेप लिख रखा है। सबसे पहले खेप में जो आए थे उनको ऋग्वेदिक आर्य, जो इस महाद्वीप में 1500 ईसा पूर्व आसपास दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उनका दास दसायु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उनका दास दसायु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ था। ये हम आगे देखेंगे किन किन से इनका संघर्ष हुआ था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत वंश का राजा, ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत वंश का राजा दिवोदास ने संबर को हराया था। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो दसायु कहे गए हैं वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे, और आर्यों ने जिन राजा और आर्यों को जिस राजा ने पराजित किया बैत्रसा दस्यु कहलाया। ठीक फ्रेंड, बैत्रसा दस्यु कहलाया, समझ गए होंगे। ऋग्वेद में कहा गया कि भरत वंश का जो राजा था ना दिवोदास, उस दिवोदास ने संबर को हराया था। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में जो दसायु कहे गए हैं वे समानता इस देश के मूल निवासी होंगे। ठीक फ्रेंड्स, जो मतलब दसायु होंगे ना, वो इस देश के परमानेंट पीआर होगी, उनके पास परमानेंट रेजिस्टेंसी होगी। और आर्यों ने जिन जिस राजा और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया था वे त्रिस दसायु कहलाए। ठीक फ्रेंड्स, त्रिस दसायु कहलाए। आगे देखते हैं, दस्यु लोग शायद लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। ठीक फ्रेंड, दस्यु लोग लिंग पूजक थे और वे पशुओं के लिए दूध के लिए पशुपालन नहीं करते थे। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं जनजातीय संघर्ष। अब देखते हैं जनजातीय संघर्ष क्या था ऋग्वेद में। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पैरा देखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं भर भर के। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पहली लाइन से ही क्वेश्चन बना है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है, तो पुरंदर कहा गया है। ठीक फ्रेंड, याद रखना, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। ठीक फ्रेंड, दुर्ग माने किले वगैरह थे ना, उनको तोड़ने वाला कहा गया है ऋग्वेद में इंद्र को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आर्यजन जिन जगहों को जीतते गए क्योंकि उनके पास अस्वचलित रथ थे। ठीक फ्रेंड्स, जो आर्य वगैरह ज़्यादातर जीत वगैरह का कारण इनके पास क्या था, जो इनके पास सबसे पहले तो घोड़े थे, और घोड़े होंगे तो फिर रथ भी बनाएंगे, रथ बनाएंगे तो फिर रथ पे बैठ के जब तक हथियार नहीं होंगे तो क्या झक मारेंगे, तो ये अच्छी क्वालिटी के एकदम हाई क्वालिटी के हथियार वगैरह थे इनके पास, इसीलिए ये ज़्यादातर क्षेत्रों को जीतने में कामयाब हुए। ठीक फ्रेंड, वही लिखा हुआ है, आर्यजन हर क्षेत्र जीतते गए क्योंकि उनके पास एक असंचलित रथ थे। ठीक फ्रेंड, असंचलित का मतलब घोड़े से चलने वाले रथ। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं, और शायद कवच मतलब वो जो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं ना, वो पूरा बंठन के कवच वगैरह पूरी ड्रेस लगा के, शायद कवच और अच्छे सैन्य अस्त्र भी थे। ठीक फ्रेंड, ये अस्त्र वगैरह भी बता दिया है, और कवच थे और अच्छे हथियार वगैरह थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए, आर्यों के पांच कबीले अर्थात जन थे। ठीक फ्रेंड, आर्यों के पांच कबीले अर्थात जन थे जिनका समुदाय पंच जन कहलाता था। ठीक फ्रेंड, आर्यों के पांच कबीले वगैरह थे जिनको जन कहते थे, और जन समुदाय पंच जन कहलाता था। आगे चलते हैं, जो ये जन थे ना, ये जन आपस में लड़ते रहते थे, जो पांच समुदाय थे ना, ये जन आपस में लड़ते रहते थे। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे, जो भरत और त्रिशु थे ये आर्यों के शासक वंश थे, और पुरोहित विशिष्ट दो वंशों को समर्थक थे। ठीक फ्रेंड, जो पुरोहित और जो वशिष्ठ थे ना, ये दो वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इस देश का नाम इसी
इसी भरत कुल के आधार पर भारत वर्ष पड़ा। ठीक है, जो ये भरत कबीला वगैरह होगा, ये जो बताया गया जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो इन्हीं के कबीलों के आधार पर पड़ा है। देखिए यहाँ लिखा ना, बाद में चलकर इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि भारत का नाम भारतवर्ष किस कबीले पर पड़ा था, तो भरत के कबीले पे, भरत नाम का कोई कबीला होगा। आगे देखते हैं, भरत और 10 राजाओं के बीच की लड़ाई लड़ी गई, जो 10 राज युद्ध 10 राजाओं के बीच की लड़ाई के रूप में विवादित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10 राज का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो भरत और 10 राजाओं के बीच की हुई थी, और यह शायद पुरुषणी नदी जो हाल की रावी नदी की पहचान में आती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स आगे देखते हैं, 10 राजाओं के रूप में विदित है यह युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान आज की रावी नदी के रूप में की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें सुदास की जीत हुई। ठीक फ्रेंड्स, इसमें सुदास की जीत हुई। इस प्रकार भरतों की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कालांतर में भरतों और पुरुगों के बीच मैत्रीती हो गई, जो कालांतर वगैरह क्षेत्र था ना ये, तो इनमें भरतों और पुरुगों के बीच में मैत्री हो गई यानी दोस्ती हो गई, और दोनों ने मिलकर एक नया कुल बनाया जिसे क्रु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक फ्रेंड्स, क्रु माने कुरुक्षेत्र वगैरह जो ये यहाँ पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, फिर कुरुओं जनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा के मैदान पर अपना संयुक्त राज्य स्थापित कर लिया। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं इनके भौतिक जीवन पर, कि भौतिक जीवन इनका कैसा था, तो देखते हैं भौतिक जीवन कैसा था इनका, तो भारत में उनकी सफलता के कारण। ठीक फ्रेंड्स, भौतिक जीवन में देख रहे हैं, भारत में उनकी सफलता के कारण क्या थे, घोड़े रथ और संभवतः कांसे के उच्च बेहतर हथियार भी। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने आरे वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले काकेशस क्षेत्र के 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया। ठीक फ्रेंड्स, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि वो इतने सफल क्यों हुए, क्योंकि भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, और घोड़े होंगे तो रथ बनेगा, फिर रथ पे बैठ के अच्छी तरह हथियार वगैरह होंगे तभी युद्ध वगैरह हो पाएगा अच्छी तरीके से, और ये आरा वाला पहिया तो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ लेना, आप कई बार पढ़ा चुका हूँ। आगे देखते हैं, अब जो आर्यों की लड़ाई होती थी ना, उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर होती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी गाय को लेकर होती थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि, ठीक फ्रेंड्स, गविष्टि माने गाय का अन्वेक्षण है। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में गाय को बहुत ही अच्छा बताया गया है, गाय को पवित्र बताया गया है कि ना मारने योग्य। ठीक फ्रेंड्स, तो इनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाँव की गाय के लिए होती है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, पुरोहितों को दक्षिणा में यहाँ लिखा है, पुरोहितों को दक्षिणा में आमतौर से गाय और दासियाँ होती थी। ठीक फ्रेंड्स, जो इनको दक्षिणा वगैरह देते होंगे तो उनको गाय दे दी किसी को। ठीक फ्रेंड्स, दासियाँ होती थी और भूमि वगैरह नहीं दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो दासी वगैरह होती थी और जो पुरोहित वगैरह होते थे उनको गाय वगैरह दी जाती थी और भूमियाँ कभी नहीं होती थी। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक लोग गाय चराने खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे। ठीक फ्रेंड, जो ऋग्वेदिक लोग थे इनको बता दिया ना कि यहाँ भूमि वगैरह नहीं दी जाती थी, भूमि वगैरह थी नहीं, तो वहाँ अगली लाइन में बताया गया कि ऋग्वेदिक लोग गाय को चराने के लिए खेती करने के लिए और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जे करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ठीक फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं ऋग्वेद में बढ़ई माने होता है जो कारपेंटर वगैरह होता है, जो लकड़ी के दरवाजे फर्नीचर सेट करता है उसे कारपेंटर कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और हिंदी में बढ़ई, ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चरमकार, कुमार आदि शिल्पों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में इन सब लोगों का उल्लेख मिला है। आगे देखते हैं, आर्यजन या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था। ठीक फ्रेंड्स, हिचकी की मार रही है बार बार। आर्यजन या वैदिक जन का अधिकांश संबंध स्थल मार्ग से था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब उन्हें पानी आनी से कोई लेना देना था, बंदरगाह टाइप से वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, गढ़ यहाँ लिखा हुआ है बे, ये हिंदी में लिखा हुआ है बे, गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है बे, पेंसिल से नहीं, मैंने मार्क किया हुआ बे, गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे। ठीक फ्रेंड्स,
ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अब देखते हैं इनके राजनीतिक जनजातीय राज्य व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, जनजातीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब राजा के बाद उसका लड़का बैठेगा, फिर उसके लड़के के बाद उसका लड़का। अनुवांशिक का मतलब ये होता है ना, एक जीन से दूसरे जीन में। तो ऋग्वेदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, पर उसके हाथों में सीमित अधिकार नहीं थे। ठीक फ्रेंड, बस उसके हाथों में ज़्यादा पूरी शक्ति वगैरह नहीं थी, ये लिखा है, पर उसके हाथों में असीमित अधिकार नहीं थे। ठीक फ्रेंड, मतलब पूरी शक्ति नहीं थी उसे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से है ये लाइन, उसे कबीलों की। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ से है, उसे कबीलों की कबीलियाई संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे लिखा है, बट मैंने पेंसिल से करेक्ट किया है, उसे कबीलों की कबीलियाई संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। ठीक फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं, उसे कबीलों की कबीलियाई संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। किसको? राजा को। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में पूरी शक्ति नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, उसे कबीलों की कबीलियाई संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी, ये लाइन यहाँ तक है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन शुरू होती है, और यहाँ ये लिखा हुआ है ना, और आम सभा जो समिति कहलाती थी। ठीक फ्रेंड्स, इस लाइन के बाद सलाह लेनी पड़ती थी, और यहाँ लिखा है ना, और आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा का चयन करती थी। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे, यहाँ से थी ना, उसे कबीलों की कबीलियाई संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी, और आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। ठीक फ्रेंड्स, राजा का चयन कहाँ से होता था? सभा से। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हुए, कई बार बता दिया है। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कबीले कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलते हैं। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, समिति, विदित, गुण। ठीक फ्रेंड्स, ये सब इनके कबीलों के या कबीलों के नाम वगैरह होंगे। ठीक फ्रेंड्स, कबीलों में सभा, समिति वगैरह होती होगी। ठीक फ्रेंड्स, उनकी बात बताई जा रही है। ये संगठन विचार विमर्श करते थे, ये आपस में बातचीत वगैरह करते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये संगठन आपस में विचार विमर्श करते थे, तथा सैनिकों और धार्मिक कार्य देखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विवाद में भाग लेती थी। आगे चलते हैं, दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो दैनिक मतलब दिनचर्या, मतलब डेली रूटीन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। इस काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहित थे। ठीक फ्रेंड्स, इनका नाम आ गया, तो अब ये देखेंगे क्या करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस काल में विशिष्ट और विश्वामित्र दो महान पुरोहित थे। विशिष्ट तो रूढ़िवादी था। ठीक फ्रेंड, विशिष्ट रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र उदारवादी थे। ठीक फ्रेंड, याद रखना, विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा कि विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? गायत्री मंत्र की। और कई बार ये पूछा कि गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? तो विश्वामित्र ने, और जो थे उदार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, पुरोहित के बाद शायद सेनानी का स्थान था। ठीक फ्रेंड, पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। ठीक फ्रेंड, जो सेनानी कौन होते हैं? स्वतंत्रता सेनानी, जो युद्ध में भाला, कुठार, तलवारबाजी चलाना जानता होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, प्राय प्रजा स्वयं राजा को उसके अंश का स्वेच्छा से देती। ठीक फ्रेंड्स, जो राजा जो जनता थी ना, वो राजा को खुद ही अपनी इच्छा से भेंट कर देती होगी, कुछ भी मतलब ये चढ़ावा वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश मतलब उसका हिस्सा स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से देती थी। इस अंश का नाम बलि बलि अथवा चढ़ावा। ठीक फ्रेंड, इस वर्ड को याद रखना, ये कई बार एग्जाम में UPSC में पूछा गया है, मेल करने के लिए वो मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ऐसे मिलाने वाला, तो बलि का मिलान चढ़ावा से होगा। ठीक फ्रेंड, याद रखना, इसका अंश का नाम बलि अथवा चढ़ावा था। ठीक फ्रेंड, युद्ध से प्राप्त भेंट लूट की वस्तुएँ वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। मतलब जो भी चीज़ें वगैरह लूट के लाते होंगे, तो उनको आपस में बांट देते होंगे, यही लिखा है। चोरी और सेंधमारी मतलब घपला करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले, चोरी और सेंधमारी की हरकतों पर रोक लगाने के लिए गुप्तचर रखे होंगे। ठीक फ्रेंड, गुप्तचर वगैरह रखे गए होंगे,
जैसे कि आज के टाइम पे पुलिस है ना, तो पुलिस चोरी करने वालों को रोकती है, सेंध वगैरह सेंधमारी करने वाले, भ्रष्टाचार करने की हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे थे, जैसे कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चारागाह, चारागाह या बड़े जत्थों का प्रधान बाजपति कहलाता था। याद रखना, ये बाजपति चारागाह से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक फ्रेंड, चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान बाजपति कहलाता था। वही परिवारों के प्रधानों को कुलपा वही परिवारों के प्रधान को कुल कुलपा कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। चारागाह या बड़े जत्थों का प्रधान बाजपति कहलाता था। वही परिवारों के प्रधानों को जो कुलपा कहलाते थे, अथवा लड़ाकू दलों के प्रधानों को जो ग्रामीण कहलाते थे। ग्रामीण के सारे गांव मुखिया का हो गया। ठीक फ्रेंड, ग्रामीणी सारे गांव का मुखिया हो गया और कालांतर में वही बाजपति बन गया। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे। देखो यहाँ से है ना, जो चारागाह का प्रधान था बाजपति, और वही परिवारों के जो प्रधान था उसको कुलपा कहते थे, तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को जो ग्रामीणी कहलाता था। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ से है, ग्रामीण कहलाते थे। ग्रामीण सारे गांव का मुखिया हो गया था और कालांतर में वही बाजपति बन गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखते थे। ठीक फ्रेंड, राजा के पास कोई सेना वगैरह नहीं होगी, लेकिन युद्ध के समय सब्जनों की सेना संगठित कर लेता था। ठीक फ्रेंड, युद्ध में मतलब सारे जने मिल जाते होंगे, कबीलिया के क्षेत्र के जितने भी होंगे बंदे सारे मिलके एक सेना की तरह तैयार हो जाते होंगे। ठीक फ्रेंड, संगठित कर लेता था। ब्रात गण ग्राम और सर्द नाम नाम से विदित विभिन्न कबीलिया टोलियाँ लड़ाई लड़ती थी। ठीक फ्रेंड, तो वही बात मैंने बता दी कि सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, कबीले वगैरह वगैरह वो टोली बना के लड़ाइयाँ करते होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कबीला और परिवार। ठीक फ्रेंड्स, सामाजिक संगठन के आधार पर गोत्र और जन्म मूलक बंधक था संबंध था। ठीक फ्रेंड, कबीला और परिवार में देखेंगे सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने कबीलियों के प्रति होती थी। ठीक फ्रेंड, जिसे जन कहा जाता था। लोगों की सबसे ज़्यादा आस्था अपने कबीलों के प्रति होती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, पर जनपद का उल्लेख एक भी बार नहीं आया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण चरण जो कबीलियों के अर्थ पर मिलता है वह था बिस। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद का दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द था कबीलियों के अर्थ से निकलता था उसे बिस कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। किसका? बिस का। किसका उल्लेख हुआ है? बिस का। ठीक फ्रेंड, याद रखना। आगे देखते हैं। 170 बार हुआ है। आगे चलते हैं। बैस नामक बहुसंख्यक वर्ण, बैस नामक बहुसंख्यक वर्ग वर्ग इसी वर्ग का उदय इसी बिस या कबायली समूह से हुआ है। ठीक फ्रेंड, एक बिस था ऊपर गया है ना, ये लिखा है ना बिस, तो जो बिस जो ये होगा जनपद वगैरह, तो इसी से जो ये बैस बने हैं। ठीक फ्रेंड, इसी की देन है ये बैस नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय इसी बीस या कवाली समूह से हुआ है। ठीक फ्रेंड, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में परिवार वाचक कुल शब्द का प्रयोग विरल है। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में परिवार वाचक जो कुल वगैरह शब्द हुआ है उसका प्रयोग, जो परिवार में पूरा कुल था ना, परिवार को पूरा कुल कहते होंगे, तो कुल शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है ये बताया गया है। इसमें माता पिता पुत्र दास आदि ही नहीं होते थे, बल्कि और भी लोग होते थे। ठीक फ्रेंड्स, परिवार में सब सबको ही होगा, जैसे कि माता पिता भाई दास वगैरह नौकर चाकर, बल्कि और भी लोग आते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रोमन समाज की तरह यह पितृसत्तात्मक परिवार था। ठीक फ्रेंड्स, रोमन समाज भी पितृसत्तात्मक था और ये ऋग्वेदिक समाज भी। ठीक फ्रेंड, रोमन समाज की तरह यह भी पितृसत्तात्मक परिवार था। ऋग्वेद में बेटियों की कामना की कहीं भी व्यक्ति नहीं की गई है। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में बेटी की कामना के लिए कहीं भी व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा और पशु की कामना सूक्तों में कई बार की गई है। ठीक फ्रेंड, मतलब ऋग्वेद में बेटियों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, और जो जनता है और वो पशु वगैरह है ना, इनका चर्चा कई बार की गई है। ठीक फ्रेंड, ये बताना चाहता है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन का भी आभास मिलता है। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेद में मतलब जो नियोग प्रथा और बाल विवाह विधवा विवाह का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड, बाल विवाह का भी उदाहरण नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बाद में आते हैं। आगे देखते हैं।
सामाजिक वर्गीकरण, समाज देखते हैं इनका कैसा था, आर्य आर्य भाषावासी और वर्ण के थे, ठीक है फ्रेंड्स, आर्य भाषावासी और गौर गौर वर्ण के थे, ठीक है फ्रेंड्स, और मूलवासी लोग काले रंग के, ठीक है फ्रेंड्स, आर्यवासी आर्य भाषावासी गौर वर्ण के थे और मूल निवासी लोग काले रंग के थे। आगे चलते हैं, समाज में वर्गों का सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ, समाज में वर्गों का सृजन का सबसे बड़ा कारण स्थानीय निवासियों पर आर्यों का आधिपत्य था, ठीक है फ्रेंड्स, जो वहाँ के स्थानीय निवासी वगैरह होंगे तो उनको आर्यों ने अपने अंडर कर लिया होगा, यही समाज के सृजन का सबसे बड़ा कारण था। आगे चलते हैं, आर्यों द्वारा जीते गए दास और दसायु जन दास और शूद्र हो गए, ठीक फ्रेंड्स, जो आर्यों ने जो क्षेत्र वगैरह जीते थे लोगों को अपनी ओर कर लिया हुआ, और कुछ उसमें दास थे, दसायु थे, और कुछ गुलाम और शूद्र हो गए, ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने पूरा अपना वर्चस्व कर लिया हुआ। आगे चलते हैं, कबायली समाज धीरे धीरे तीन वर्गों में बट गया, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन, ठीक फ्रेंड्स, तीन भाग हो गए, योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन, चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, ठीक फ्रेंड्स, एक चौथा वर्ग भी था जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वेदिक काल के अंत में दिखाई पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद के दसवें मंडल में जो सबसे अंत में जोड़ा गया, जो चौथा वर्ग था ना, ये ऋग्वेद के अंतिम काल में दिखाई पड़ता है, और ये इसकी चर्चा की गई ऋग्वेद के दसवें मंडल में, और दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे चलिए, युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई, और इससे समान कबीलियाई लोगों को वंचित करते हुए राजाओं और पुरोहितों को आगे बढ़ने में सहायता मिली, ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें ये बताया गया जो युद्ध में जो भी संपत्ति वगैरह जो भी लूटपाट के लाते होंगे ना, तो वो इनमें मतलब जनता में अब मतलब 50-50 नहीं कर रहे थे, मतलब आधा आधा नहीं बांट रहे होंगे, उसी कारण इनमें समाज में असमानता आ गई। असमानता का मतलब होता है मतलब बिगाड़ हो गया, ये लिखा है ना, युद्ध में हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई, और अन्य और इससे समान कबीलियाई लोग वंचित करते हुए राजाओं और पुरोहितों को आगे बढ़ने की सहायता मिली, ठीक फ्रेंड, मतलब जो भी वगैरह हो संपत्ति वगैरह लूट के लाते होंगे ना, तो जो ऊपर के अधिकारी राजा वगैरह और जो पुरोहित वगैरह होंगे, ये आपस में डिवाइड कर लेते होंगे, जो जनता तक इनको पहुंचाते नहीं होंगे, तो इससे सामाजिक वर्णों में मतलब खटास आ गई, या इनके सामाजिक संबंध बिगड़ते गए, और जो ये पुरोहित और राजा थे इनको आगे बढ़ने में सहायता मिली, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब वैदिक देवताओं को देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो एक घंटे की होगी है, कोई बात नहीं, 5 मिनट और रुक जाइए बस, अब इनके वैदिक देवता देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिसे पुरंदर अर्थात किले या आवास संग्रह को तोड़ने वाला कहा गया है, ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में बना है, याद रखेंगे। इंद्र पर 250 सूक्त हैं, ठीक फ्रेंड्स, ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं, वह बादल का देवता माना जाता है जो वर्षा देता है, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा अग्नि का दूसरा स्थान है, ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंद्र का नाम लिया गया है ऋग्वेद में 250 बार, दूसरा स्थान है अग्नि का दूसरा स्थान है, उस पर 250 सूक्त हैं, ठीक फ्रेंड्स, अग्नि का 250 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। अग्नि की उपासना ना केवल भारत अपितु ईरान में भी होती थी, ठीक फ्रेंड्स, अपनी अग्नि की पूजा वगैरह भारत में भी होती थी और ईरान में भी होती होगी। आगे चलते हैं, तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल और समुद्र का देवता माना गया है, ठीक फ्रेंड, तीसरा स्थान जल वरुण का है, जो जल और समुद्र का देवता माना गया है। आगे चलते हैं, सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है, ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है सोम किसका अधिपति था, तो वनस्पतियों का, ठीक फ्रेंड्स, और एक मादक रस का नाम भी उसी के नाम पर पड़ा है, ठीक फ्रेंड्स, जो ये मादक रस वगैरह है ना, ये मदिरा को ही कह देते हैं, बियर वगैरह को, मैंने पहले बताया ना कि यूरोप में क्या कहते हैं, इंग्लैंड में सोमरस बियर को कहा जाता है, और वहाँ के लोग ऐसे बियर घटकते हैं ना, बियर और सिगरेट की तो रैली बना के रखते हैं वो, ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जब कभी भारत का इंग्लैंड के साथ मैच हो या किसी भी टीम का हो, तो वहाँ जो पब्लिक बैठी होती है ना, देखना भाई साहब क्या क्रेज से वो बियर पीते रहते हैं गिलासों में भर भर के। आगे चलते हैं,
ठीक फ्रेंड्स, एक रह गया था मारुत। ये कई बार पूछा गया मारुत किसके देवता थे, तो ये आंधी तूफान के। ठीक फ्रेंड्स, मारुत आंधी तूफान के देवता थे। आगे चलते हैं, क्लियर करा दिए मैंने सारे पॉइंट देवताओं के। ठीक फ्रेंड्स, देवी, अब देखते हैं देवियों को। देवताओं के कुछ देवताओं में कुछ देवियाँ भी थी, जैसे अदिति और उषा, जो प्रभात के समय प्रतिरूप। ठीक फ्रेंड्स, ये अदिति वगैरह सुबह का जो राग वगैरह गाया जाता है ना, उसमें कई बार पूछा गया है, तो अदिति और उषा सुबह के प्रातिकालीन के समय के प्रतिरूप हैं। ठीक फ्रेंड, किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ठीक फ्रेंड, जो ऋग्वेद काल में देवियों को ज़्यादा मान सम्मान वगैरह, ऋग्वेद में देवियों का नाम ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं, दो तीन लाइनें रह गई हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति का स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि, इस बलि को याद रखना। ये मैंने कई बार बताया, ये चढ़ावा है, ये मिलान में कई बार पूछा गया है UPPCS में। बलि का मतलब चढ़ावे से मिलान होगा इसका। ठीक फ्रेंड, देवताओं की उपासना की मुख्य रीति और स्तुति पाठ करना, यज्ञ बलि अप्रति करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सामान्यतः हर कबीले या गोत्र का अपना अलग देवता होता था। ठीक फ्रेंड्स, अब लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, देख लीजिए। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ, ये यज्ञ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड, ऋग्वेदिक काल में यज्ञ वस्तुएं चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या यज्ञिक मंत्र नहीं बोले जाते थे। ठीक फ्रेंड, जो ऋग्वेदिक काल में जो भी यज्ञ वगैरह होता होगा ना, और उस पर जो भी सम्रागी या वस्तुएं वगैरह चढ़ाते होंगे, तो उस टाइम कोई मंत्र नहीं बोला जाता होगा। जैसे अपने हिंदू समाज में यज्ञ वगैरह होता है ना, तो वो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते हैं ना स्वाहा, तो वो जो हवन सम्रागी होती है वो चढ़ाई जाती है उसके ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, स्वाहा बोलते ही, तो वो यही बताया गया कि यज्ञ में जो भी यज्ञ वगैरह होते होंगे, तो वो वस्तुएँ चढ़ाते समय उसमें कोई मंत्र वगैरह नहीं बोलता था। ठीक फ्रेंड्स, मंत्र वगैरह नहीं बोले जाते थे यज्ञ के टाइम, यही लिखा हुआ है सिंपल वे में, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर, नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख लो इतनी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, उसमें भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, थोड़ा सपोर्ट करो यार, मैं तो इतना दिल खोल के आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक एक जो UPSC और UPPCS के जो बच्चे होते हैं, वो डेफ्ट में पढ़ते हैं, एकदम उन्हीं की तरह मेंस में आपको लिखने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ा दिल खोल के आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी थोड़ा एनर्जेटिक बनाइए आप, थोड़ा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं और एनकरेज होऊँ आपके लिए, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। इससे जो भी मैंने जो चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियो पढ़ी है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक एक टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो प्रैक्टिस सीरीज में हो, चाहे वो ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सीरीज हो, हर एक टॉपिक हर एक वीडियो में मैंने एकदम जी जान लगा के जो डेप्थ में जाके डाटा उठाया है आप लोगों के लिए, वीडियो प्रिपेयर ऐसे ही नहीं करता मैं, एकदम जो डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे आते जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, और पूछे जाएंगे। पढ़ाने को तो मैं ये सिंपल वे में पढ़ा दूँ आपको, 10 मिनट में इस चैप्टर को पढ़ा सकता था। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन पहले मैं 2-3 बार खुद पढ़ता हूँ इसको, उसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड आई होप आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो लगभग मैंने पढ़ लिया है, कल रात को पढ़ लिया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी वीडियो अभी नहीं मिलेगी, इसको वीडियो का भी मैं 2-3 बार इसको और पढ़ूंगा, तब जाके वीडियो मिलेगी। आज संडे है ना, तो लगभग बुधवार तक इसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक फ्रेंड्स, आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ 1-2 मिलते रहेंगे। ठीक फ्रेंड, जो हमारी ये सीरीज चली है ना प्राचीन भारत की, इसकी वीडियो हर दूसरे तीसरे दिन आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ।